हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी हर्षित गुप्ता। कुछ दिनों से आप सोच रहे हैं कि मेरी कोई वीडियो नहीं आ रही, तो मैं बता दूं मेरे एग्जाम चल रहे थे। अभी 15 को ही मेरा लास्ट एग्जाम था और लास्ट एग्जाम अपना खत्म करने के बाद मैं आ गया था अपने घर। अभी हम जा रहे हैं जिम और मैं ले रहा हूँ अपनी प्री वर्कआउट मील स्वीट पोटैटो। आज की वीडियो में हम अपना वर्कआउट सेशन लगाएंगे। आज है हमारा बैक एंड बाइसेप। भी हम आपको लेके चलेंगे एक नए जिम में। आप जानते होंगे मेरा पुराने वाला जिम जो कि विजय भाई का जिम था। कल भी मैं वहाँ पे गया था, लेकिन आज मैं दूसरे जिम में जाने वाला हूँ क्योंकि वहाँ पे मेरे साथ हमारे कार्तिक भाई और टिंकू होंगे, तो उनके साथ आज वर्कआउट करेंगे। और एक अपडेट और कि मैं क्रिएटिन से ऑफ हो रखा था। मैंने 1.5 महीना हो गया मैंने क्रिएटिन यूज नहीं किया था क्योंकि मैंने 3 महीने की साइकिल पे था मैं क्रिएटिन की। और मतलब आपको क्रिएटिन ऑन ऑफ करते रहना चाहिए वरना आपकी इनर हेल्थ पे इफेक्ट हो पड़ सकता है। तो मैंने अभी कल से ही अपना क्रिएटिन स्टार्ट किया है। अभी मेरा लोडिंग फेज चल रहा है क्रिएटिन का। मैं आपको बताऊंगा कि क्रिएटिन को लोड करने का सही तरीका कैसे है और क्रिएटिन कंज्यूम करने का सही तरीका क्या है, चलो तो आपको दिखाऊंगा, बने रहो वीडियो में। ये रहे हमारे दो नोबल रदर। हाँ भाई, अब बताओ क्या हाल है। नया खुला ये है ना, फ्लैश ऑन करने की क्यों बेइज्जती करवा रहा है। अरे फ्लैश ऑन है, तुम तो जमा करे, क्यों टेंशन ले रहे। क्या दिख रहे? चोर। तो चोर भाई, यार ये चोर दिख रहे। जिम ओके है, ट्राई करते हैं। शुभम गिल का साइन है इस पे। शुभम गिल का साइन है इस पे। भाई की शादी होने वाली। ये वाली हमारी सेकंड एक्सरसाइज टी बार। तो बैग ऐसी आ रही, मैं कह रहा जबरदस्त क्रिस बमस्टेड जैसी। मजा आ गया बैग देख के। अब तो शादी होने वाली, अब तो क्या जरूरत है शादी की। हां तो चल खाई उड़ के सर पहले बीवी खा ले तो उसने। या चलो भाई सेट मारो। ऐसी बॉडी कब तक बनेगी? गाइस कमेंट करके बताओ कितना ही स्मार्ट हो, कितना ही हैंडसम हो, कितना ही पैसे कमाता हो, कितनी बॉडी है। लेकिन सही बात है नहीं है। चलो सेट मारो, हरकतें नहीं चाहिए। बहुत जल्दी है वीडियो में आने की। करो करो करो। मुझे मांग रहा है, गलत काम तो नहीं मांग रहे। वेस्ट टाइम के लिए तो कह रहा हूँ।
करती भाई से वेट ना उठते हुए सपोर्ट लेते हुए बाइसेप में टिंकू भाई की। हाँ ड्रॉप है वैसे तो, कोई बात नहीं धीरे धीरे हो जाएगा। और भाई जिम में ना किसी ने नजर डुजर लगा दी मेरे और ये देखो क्या हो गया, चोट लगी किसी ने जिम में नजर लगा दी। पहला तक बनवाना पड़ेगा चौसे के आम है और यहाँ दस रखी है गुठलिया गजब आ रहे भाई साहब। ड्रॉप चल 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 एक और दस के बाद है चल एक दो तीन चार चले घर या चलना कुछ खाने पीने अंडे खाएंगे भाई। अरे यार मेरे शेखर ये आदमी जो है तुमने दो हजार तुमने बारहवीं कब पूरी करी थी अपनी इन्हें बता दो कौन से सन में 2017 में झूठ बोल रहे 12 में करी थी 12 में करी थी यार झूठ ना बोलो। हाँ 2012 में भाई ने अपनी बारहवीं करी थी। अरे रुक जाओ यार अभी बात तो बता दो ऑडियंस को सुन तो लो। अरे सुन तो लो यार मेरी बात तो सुन लो। अच्छा उसके सुन तो लो ऐसी बात होगी क्या हो गया। अरे सुन तो लो भाजी एक मिनट तुमने अपनी बारी पूरी करी उसके बाद क्या करा आईटीआई आईटीआई करी नहीं करी आईटीआई करने के बाद तुमने क्या काम करा ये बता दो। मेरे भाई ये आदमी हमारा ये भाई कुछ नहीं करता और भाई की शादी होने वाली और 14 फरवरी को भाई की शादी है। पहले फरवरी कहाँ है भाई तो 14 कब की है 14 फरवरी की नहीं है 14 फरवरी की है वैलेंटाइन डे पे लोग खरीदेंगे रूम इन्हें मिल भाई भाई हमारा कुछ नहीं करता ऐसी किस्मत बहुत कम लोगों की होती है। तुम करो पढ़ाई लिखाई तभी शादी होगी भाई की तरह नहीं कि कुछ काम धंधा नहीं करना और शादी होगी। तो देखी थी हमने स्टोरी पे लगाई थी भाई ने। अच्छा कार्ती भाई दिल से बता दो लड़की सुंदर है मैं काटने कुटने का कुछ नहीं डलेगा ये व्यूज ऐसे ही तो आएंगे यूट्यूब पे। कैमरा देखते ही मॉडल का पोज निकल बैठा जी मैं और अभी क्रिएटिन लेंगे तुम्हें दिखाएंगे किस तरह लोडिंग चल रही मेरी तो चलो मिलते हैं घर पे भाई मिल गया भाई को बोलो मिल जाए। क्या हाल है मेरी जान बॉडी बिल्डर ब्लॉग चल रहा बॉडी दिखा बॉडी साइड पे दिखा दे बॉडी बॉडी दिखा दे भाई कार्तिक बॉडी आई थी भाई अगर उनको दिखाते भी अर्शद भाई की है चल रही हमारी डाइट हमारे लग रहे हैं अंडे पांच भाई के लेंगे मैचिंग के लिए भाई के चल रहे 6 बिना प्याज के ठीक है। गुड नाइट ब्रो टिंकू भाई मिलते हैं ब्याह में तो बुलाओगे हाँ बुलाएंगे बुलाने के नहीं बुलाऊंगा बुलाऊंगे अभी चलता हल्दी पे हल्दी के फंक्शन पे बुलाओगे नहीं बुलाओगे। सो गाइस कल रात लेट ज़्यादा हो गया था तो मैं आगे वीडियो नहीं कंटिन्यू कर पाया तो मैं जो भी आगे का प्रोसेस है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट कंज्यूम करने का वो आज मैं आपको दिखा दूंगा। सबसे पहले आपको करना क्या है मैं क्रिएटिन सिर्फ पानी में नहीं यूज़ करता मैं एक गाजर का जूस है मेरे पास और ये रहा मेरा शेकर इसके अंदर मैं अपना गाजर का जूस डाल दूंगा
सर्दियों में आप गाजर का जूस यूज़ कर सकते हो और गर्मियों में आप गन्ने का जूस ले सकते हो या फिर बनाना शेक में भी आप जो है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट यूज़ कर सकते हो। और रही बात लोडिंग फेज की, तो मैं क्रिएटिन लोड नहीं करता हूँ, लोग करते हैं लेकिन मैं नहीं करता। ये रहा हमारा क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। अभी मैं जो ब्रांड यूज़ कर रहा हूँ वो है मसल ब्लेस। इससे पहले मैंने एज इट इज़ न्यूट्रिशन भी यूज़ किया है, मैंने फास्ट एंड अप भी यूज़ किया है और मैंने लब्राडा न्यूट्रिशन भी यूज़ किया है। ये 5 ग्राम का स्कूप है, इसमें मैं सिर्फ 3 ग्राम क्रिएटिन लूँगा। आप चाहो तो आप क्रिएटिन की लोडिंग भी कर सकते हो। तो लोडिंग किस तरह से करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको 1 हफ्ते तक लगातार क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट यूज़ करना है, प्री वर्कआउट या फिर पोस्ट वर्कआउट 10 ग्राम, और जो है उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हो डेली 5-5 ग्राम क्रिएटिन। लेकिन मैं ये प्रेफर नहीं करता हूँ, इससे आपकी इनर हेल्थ को अफेक्ट पड़ सकता है। मैं क्या करता हूँ, मैं 3 ग्राम क्रिएटिन डेली यूज़ करता हूँ, तो मेरा ऑटोमेटिकली 15 से 20 दिन के अंदर वो अपने आप लोड हो जाता है और वो अपने आप कंसिस्टेंट रिजल्ट मुझे देने लगता है। दैट वॉज इट फॉर द वीडियो गाइस। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी मैं सप्लीमेंट्स यूज़ करता हूँ अपनी डेली रूटीन में, अपने जिम के रूटीन में, अगर वो सब भी आपको जानने हो तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर देना, तो मैं आपके लिए अगली वीडियो सप्लीमेंट्स के ऊपर बना दूंगा।